बढ़ते जा रहा है अनियंत्रित जनसंख्या के कारण, उस जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन देश में एक जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो उसके लिए किस संकल्पित है, और आने वाले दिनों में यानी 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पूरे देश में और बिहार में भी एक साथ एक समय पर हम धरना प्रदर्शन और के माध्यम से डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को मांग पत्र सौंपने वाले हैं कि हर देश में एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, जाति धर्म से ऊपर उठकर एक ऐसा कानून लागू हो जिसका समावेश देश हित में हो। संख्या नियंत्रण को लेकर क्या ऐसा नहीं लगता कि गली गली में जागरूकता की जरूरत है? आपकी संस्था कहाँ तक जागरूकता फैलाई है? अभी हम लोग 13 वर्ष में भारत के ऐसे 500 जिलों में पहुंच पाए हैं। आने वाले दिन में हम इसको और व्यापक स्तर पर ले जाएंगे। इसी के लिए सभी संगठन विस्तार के लिए हम लोग लगे हुए हैं। आने वाले दिन में एक सशक्त संगठन के माध्यम से, ताकि सशक्त संगठन का ये आवाज़ देश में सुना जाएगा, उसमें हमारे सभी संगठन के कार्यकर्ता लगे हैं और इसको और व्यापक रूप हम लोग देने वाले हैं। जनसंख्या वृद्धि का सबसे मूल कारण अशिक्षा माना जाता है। एक प्रश्न तो वो भी है, लेकिन एक प्रश्न ये भी है कि आज एक खास समुदाय के द्वारा विशेष रूप से इस देश में को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के नीति से जो काम चल रहा है वो भी एक कारण है। एक खास समुदाय विशेष रूप से आज भारत के सरकारी हॉस्पिटल का आंकड़ा देखेंगे तो आज एक हिंदू समाज के 30,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा लेते हैं, वहीं आज हम मुस्लिम समाज में जाएंगे उसका आंकड़ा देखेंगे तो लगभग 65,000 से 68,000 बच्चे पैदा ले रहे हैं। समुदाय की बात करें तो समाज और समुदाय के साथ राजनीति की बात आती है, फिर वैसे समुदाय को हमारी सरकार संपोषित क्यों कर रही है अंत्योदय अन्न योजना से? नहीं, हम लोग हमारा मानना है कि जब ये कानून लागू होगा तो जो इस कानून के विपरीत काम करेंगे उनको सरकारी योजना के साथ साथ सरकारी नौकरी और भारत में जो एकमात्र हम लोग को संवैधानिक अधिकार है मताधिकार का प्रयोग, उससे भी वंचित करने का प्रावधान करने का सुझाव हमने सरकार के समक्ष रखा है और इसमें कहाँ तक क्या हो सकता है एक व्यापक कानून की प्रारूप जब तैयार होगा उसमें हम लोग देखेंगे।